नमस्कार, मैं हूं आपके साथ त्रिवेणी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे एसटीएन के इस विशेष कार्यक्रम नवरात्रा उपासना में। जैसा कि आज नवरात्रे का चौथा दिन है, आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, आज के दिन का क्या महत्व है हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। ये है शारदीय नवरात्रा, इनको कहते हैं नवरात्रा शारदीय। शारदा माता की जो है उपासना इसमें की जाती है, और इसी क्रम में आप जो है देखेंगे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेती और कुष्मांडेती चतुर्थकम। तो चौथे दिन ये माता आती है, माँ कुष्मांडा। और कुष्मांडा माँ का जो स्वरूप है वो जो है सौम्य स्वरूप है, अष्टभुजा वाली है, शेर पर सवार है, शंख चक्र गदा पद्म और वनमालाओं से विभूषित ऐसी सौम्यमयी माता कुष्मांडा माता है। कुष्मांडा माता चौथे दिन आप जो है सुंदर लाल वस्त्र पर अष्ट कमल दल बना करके और माँ कुष्मांडा की मूर्ति को स्थापित करें, और कुष्मांडा माता की मूर्ति स्थापित करके थाली के अंदर जो है रोली, गंध, अक्षत, पुष्प, चावल इत्यादि पूजा की सामग्री रख करके और माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। ध्याये नित्य महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नांग कल्पोजलांगम मृगभ्राहस्त भीते प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतिमम रगणे व्याघ्र कृतिम वसानम विश्ववाद्यम विश्वंधम निखिल वैहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम और काला ब्राभाम कटाक्ष ररिकुल भेदाम मौल वंदिंदु रेखा शंख चक्रपाणम तस्के करहंती नेत्राम स्कंधादि रूढ़ा मखलम तेजसा पूरियंती ध्याये दुर्गा जाख्याम परिवृताम सेवताम सिद्ध कामये। चावल और पुष्प हाथ में लेकर के और माँ कुष्मांडा का ध्यान करके और उनके चरणार बिंदों में अर्पित करें, उसके बाद माँ का आह्वान करें, माँ का आह्वान करके पुष्प का आसन दे करके और माँ को विराजमान करें। पाद्यम पैरियो अर्घम हस्तयो मुखे आचमनम और सर्वांगेशु जल स्नानम। इस प्रकार से भगवती को है जो पाद्य अर्घ आचमन दे करके और आप पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं। मूर्ति को स्नान करा के और वस्त्र से उसको अलंकृत करें। स्वच्छ वस्त्र जो हैं, रक्त वस्त्र भी हो सकते हैं, पीत वस्त्र भी हो सकते हैं, लेकर के भगवती को है जो वस्त्र सर्वाभूषण दिखे सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यम वाससिम प्रतिगृह्यताम वस्त्र भगवती को अर्पण करें। आचमन करवा करके वैसे कई जगह विधान यज्ञोपवीत का आता है। विद्वानों का भी जो है ऐसा मत है कि देवी को यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाई जाती, पर नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं है। स्त्री जाति के लिए भी यज्ञोपवीत होती है, हर वर्ण के लिए यज्ञोपवीत होती है। चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके चारों के सूत्र अलग अलग हैं। स्त्री जाति के लिए भी भगवती को आप जो है यज्ञोपवीत पहना सकते हो, उसको लाल कर लें, पीले रंग से रंग लें, हल्दी से पीली कर लें और भगवती को यज्ञोपवीत धारण करवाएं। माल्याधीनम सुगंध्यानी मालित्याधीनम भे प्रभो मया हतानिम पूज्यानिम पुष्पाणिम प्रतिगृह्यताम। भगवती को है जो पुष्प अर्पण करें, माला अर्पण करें, हार पहना करके और सुंदर जो है रक्त चंदन अष्टगंध का चंदन है जो माता जी के मस्तक पे लगाएं, और माता जी के जो अंग हैं, भुजाएं हैं, उन पे भी आप चंदन चर्चित करें, और चंदन के ऊपर जो है कुमकुमम कामना दिव्यम कामनाम काम संभव कुमकुमे नार्चितम देवी ग्रहणम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, आप कुमकुम को ग्रहण करिए। कुमकुम लगा करके भगवती के चावल लगाएं, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य ताम्बूल आदि भेंट करके और देवी का पूजन करके उसके बाद जो है भगवती का पाठ आरंभ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करके और भगवती से कुशल क्षेम की आराधना करें। तो पंडित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आज के दिन की कोई विशेष कथा भी है? जी, वैसे प्राचीन काल में
कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 6 पुत्रों को मारने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ और 7वां पुत्र जो है देवकी के गर्भ से जो है स्खलित हो गया, गर्भपात हो गया और वो रोहिणी जी के गर्भ में जाकर के और बलराम जी के नाम से पैदा हुए। फिर 8वां जो अवतार है, 7वां अवतार जो है स्खलित होकर के और आकर्षण खींच करके उसको रोहिणी के गर्भ में डाला गया, इसलिए उनका नाम आकर्षण भी रहा, संघर्षण भी रहा और उनका नाम जो है बलराम नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उसके बाद इतना पापाचार अत्याचार देख करके और देवकी के गर्भ से योग माया प्रकट हुई। योग माया स्कंद माता जो है योग माया के रूप में प्रकट हुई और प्रकट होकर के कंस को समाचार पहुंचा कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। तो उस कन्या को बुला करके कंस ने उसके पैर पकड़ करके एक चट्टान पे दिया, तो जैसे ही उसने पैर पकड़ करके चट्टान पे देने के लिए तैयार हुआ तो वो कन्या उनके हाथ से छूट करके कंस से और आकाश मार्ग को चली गई और आकाश मार्ग में जाकर के ऐसी चमक पैदा की, चंद्रमा के समान चमक पैदा कर दी, जैसे बिजली चमकती है ऐसा प्रकाश हुआ और उस प्रकाश से आकाशवाणी हुई कि कंस तुझे मारने वाला तो अन्यत्र कहीं पैदा हो चुका है। ऐसी उस योग माया ने आकाशवाणी की और आकाशवाणी को सुनकर के कंस विचलित हो गया। 8वां पुत्र देवकी का जो है भगवान कृष्ण हुआ। भगवान कृष्ण ने और उस योग माया ने और मां कुष्मांडा ने मिलकर के और कंस के सहित कंस चारुण और जितने भी जो दैत्य थे उन सबका संहार किया। तभी से माता जो है कुष्मांडा के रूप में और महामाया के रूप में पूजने लगी। सभी भक्तों ने चारुण और कंस का जब मर्दन हो गया, दैत्यों को मार गिराया, तो सब ने जो है देवताओं ने आकाश से पुष्प की वृष्टि की और मां कुष्मांडा का आराधन किया और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः क्षमा प्रार्थना की, आराधन किया और देवी की स्तुति की। नाना प्रकार की स्तुति के बाद मां कुष्मांडा ने सभी भक्तों को जो है आशीर्वाद प्रदान किया और अभय किया कि आज से तुमको कंस का और चारुण वगैरह दैत्यों का जो है कोई संकट नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। और भगवती जो है कुष्मांड माता प्रसन्न होकर के भक्तों को आशीर्वाद दे करके और अपने स्वधाम को चली गई। बोल कुष्मांड माता की जय। तो पंडित जी, माँ कुष्मांडा के का जो स्वरूप है उसका विस्तार से वर्णन भी कीजिए। माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है, माँ कुष्मांडा अष्टभुजा वाली है। 8 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, तलवार और कमल पुष्प ये धारण किए हुए हैं माँ भगवती। गदा से और तलवार से है जो दुष्टों का संहार करती है। भगवती माँ के माथे पर सुंदर जो है स्वर्ण का मुकुट है, उसमें नाना प्रकार के जो है रत्न और आभूषणों से जड़ित है और माँ भगवती रक्त वस्त्र धारण करती है, पीत वस्त्र धारण करती है और भगवती के गले में जो है सुंदर हार और मणि और मुक्ताओं की माला, ऐसा भगवती का सुंदर स्वरूप और सौभाग्यवती स्त्रियों जैसा स्वरूप भगवती का। हाथ में जो है चूड़ा पहने हुए है, कंकण बंधे हुए हैं और सुगंधित पुष्पों से, गुलाब के पुष्पों से माता का जो है श्रृंगार हुआ है। ऐसा विचित्र स्वरूप माता का मन को लुभाने वाला होता है और जितने भी जो है भक्त हैं उनको है जो सुख देने वाला स्वरूप जो है माँ भगवती का होता है। स्कंद रूप दादी कुष्मांडा नाम भगवती का, कुष्मांडा कुसुम के समान सुंदर
ऐसी आकृति वाली भगवती को जो है कुष्मांडा के रूप से माना जाता है। इनका जो है सुंदर स्वरूप देख करके भक्त प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का भय दूर हो जाता है। अस्त्र शस्त्र अक्षस्त्र परस गोदेश कुशलम पद्म धनुष कुंडिका दंडम सक्त मसिम चर्म जलजा घंटा सुरा भाजनम सूलम पास सुदर्शने दत्ती हस्ते प्रसन्ना नना सेवे सेभिर मर्दनी महामिहम लक्ष्मी सरोज संस्ताम। सभी को अभय प्रदान करती है भगवती, जो है सबका भय दूर करके और सबको खुश करती है। ऐसे माता के सुंदर स्वरूप को देख करके और भक्त माता के चरणार बिंदों में अपना मस्तक रख करके और बार बार भगवती के स्वरूप को निहारते रहते हैं और अपने दुख को दूर कर लेते हैं। ऐसी माँ कुष्मांडा भक्तों को सहदेव प्रसन्न होकर के बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है, अभय करती है और दुष्ट से दुष्ट आदमी का भी उसको भय हो उसको भी भगवती दूर कर देती है। सिर्फ माँ के स्वरूप का ध्यान करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से सारे संकट जो है भगवती दूर कर देती है। इसलिए अभयदाम, अभय को देने वाली, भय को दूर करने वाली ऐसी माता को है जो भक्त बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और माँ कुष्मांडा मस्तक पर जो मणि विराजमान है, माँ के मुकुट पर जो मणि है कौस्तुभ मणि, वो ऐसी विचित्र शोभा देती है कि सारे संसार को है जो जगमगा देती है। जितने भी जो है भगवती के स्वरूप हैं उनमें भगवती के मुकुट पर जो मणि विराजमान है उस मणि से सारा संसार प्रकाशित होता है। इसलिए भगवती की आराधना इन शारदीय नवरात्रों में करनी चाहिए, इससे भक्त को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। तो पंडित जी, अंत में आपसे जानेंगे कि जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो किस तरह से माँ की पूजा करें जिससे उनकी इच्छा पूरी हो। अब पूजा का विधान आया कि पूजा किन किन को करनी चाहिए, किन किन को नहीं करनी चाहिए। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, देवी और देवताओं का आराधन करने का सभी को अधिकार है। पुरुष वर्ग भी कर सकता है, महिला वर्ग भी कर सकती है, कन्याएं भी इसकी पूजा कर सकती है, बालक और वृद्ध भी इसका पूजन कर सकते हैं। विशेषतया आराधना सब करें, पूजन सब करें, परंतु जहां तक विचार है पाठ का, अभी कई जगह देखने को मिलता है कि मैं पूरा पाठ करती हूं महाराज नवरात्राओं में, मैं इतने वर्ष से है जो दुर्गा के पाठ करती चली आ रही हूं, वो ठीक है। दुर्गा का विधान है, अपनी पूजा का भी विधान होता है। पूजा के विधान में आपको शुरू में आपको संकल्प लेना पड़ेगा, तिथि वार नक्षत्र पैर का उच्चारण करना पड़ेगा, नाम का आपको उच्चारण करना पड़ेगा, अपने है जो पिता और बाबा का नाम उच्चारण करके अमुक कामना निमित्त्यर्थम, किस कामना के लिए आप देवी का आराधन कर रहे हो, अमुक कामना निमित्त्यर्थम कौन सी कामना है, महती संकट निवारणार्थम, पुत्र प्राप्ति निमित्त्यर्थम, विद्या प्राप्ति निमित्त्यर्थम, शत्रु समनार्थम, किस ध्येय से आप उस दुर्गा का पाठ कर रहे हैं। फिर पाठ में विशेषतया अर्गला कीलक और कवच, ये तीनों करके उसके बाद श्राप विमोचन। देवी को श्राप लगा हुआ है, कई ऋषियों ने और कई देवताओं ने जो देवी को श्राप दे रखा है, उस श्राप का जब तक आप विमोचन नहीं करोगे, श्राप का उत्कीलन नहीं करोगे, तब तक आपका पाठ निष्फल है। आप हजारों साल तक पाठ करो, 10 साल से पाठ करो, 20 साल से पाठ करो, उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। उसके बाद उत्कीलक, जो कील रखे मंत्र हैं, ये सारे मंत्र कीलित हैं। भगवान और शिव पार्वती जी ने जब देखा कि ये मंत्र सारे पार्वती जी ने सबको बता दिए, तो इसमें जो है सारे मंत्रों को कील दिया। कीलक से आपका जो है उत्कीलन करना पड़ेगा, उत्कीलन के बाद जो है मंत्र जागृत होगा और मंत्र जागृत होने के बाद आपको उसका फल मिलेगा। इसी के साथ आप जो है अरण्यास, करण्यास और अक्षरन्यास, ये तीनों न्यास करने के बाद आप एक माला नवान की करें और नवान की माला के बाद जो है रात्रि सूतक का पाठ करें,
रात्रि सूतक का पाठ करने के बाद आप है जो 13 अध्याय हैं देवी के भगवती के उनका आराधन करके, वैसे यहाँ पर बनारस, वृंदावन, उज्जैन, इनमें भी तीनों में पाठ का विधान थोड़ा भिन्न है। बनारस के अंदर जो कुंजिका पाठ है उसको पहले भी करते हैं और अंत में भी करते हैं। कई जगह पाठ के अंत में दुर्गा का जो है आप जो है कुंजिका स्त्रोत्र पाठ करते हैं। कुंजिका स्त्रोत्र का मतलब है ताले की कुंजी, पूरे पाठ की कुंजी जो है कुंजिका पाठ मात्रेणम दुर्गा पाठ फलम लवेत। सिर्फ कुंजिका का पाठ करने मात्र से दुर्गा का पाठ का फल मिल जाता है, पर उन मंत्रों को है जो जागृत करने के लिए मंत्र जागृति हेतवे, मंत्र जागृति के लिए आप कुंजिका पाठ आरंभ में भी करें और अंत में भी करें। उसके बाद नवान की माला करें और नवान की माला के बाद आप जो है जो न्यास आपने चढ़ाए हैं, अरण्यास, करण्यास और अक्षरण्यास जो आपने किए हैं उनको उतारना पड़ेगा, शरीर पर चढ़ाने पड़ते हैं, न्यास करने पड़ते हैं। और न्यास उतारने के बाद में आप जो है भगवती का कर्पूर से आरती करें, पुष्प में है जो थाली में सजा करके पुष्प, पंच प्रदीप, कपूर और गूगल धूप इत्यादि से जो है देवी का आराधन कर सकते हैं। ऐसा गूगल की धूप देने से देवी प्रसन्न होती है। और स्त्री जाति के लिए विशेषतया कोई भी स्त्री अगर दुर्गा की आराधना करना चाहती हैं तो वो सुबह स्नान करें, स्नान ध्यान करके और बालों को जो है धो करके और बिना गुथे हुए देवी का आराधन करें। देवी के आराधन में पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखें, पवित्रता से ही देवी प्रसन्न होती है। स्त्री जाति को 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ भूमि पर शयन करें, एक समय भोजन करें और पृथ्वी पर शयन करके और 9 रात्रियों को व्यतीत करें। जो भी स्त्री सात्विक भाव रख करके और भगवती का आराधन करती है उस स्त्री को सौभाग्य का वरदान देवी प्रदान करती है। कन्याएं, पुरुष वर्ग जो करते हैं, पुरुष को तो नियम का सभी मालूम है, 9 दिन तक छोर, हजामत, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाएं, 9 दिन तक नाखून भी नहीं काटें, 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 9 दिन तक एक टाइम एक समय भोजन करें, फलाहार करने वाले फलाहार करें। कई विद्वान जो है निराहार भी करते हैं, निराहार करने वाले निराहार करें, फलाहार वाले फलाहार करें और जितना जिसकी श्रद्धा है उतना करें। तो 9 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर शयन करें, सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन करने से पाठ जो है उसका फल नहीं मिलता, पाठ खंडित हो जाता है। तामसिक वृत्ति का भोजन नहीं करें, सात्विक वृत्ति का भोजन करके और सात्विक भाव रखें, झूठ इत्यादि को नहीं बोलें तो आपकी 9 दिन के अंदर है जो मनोकामना पूर्ण होगी। कुमारी कन्याएं इसको करना चाहती हैं तो इस व्रत को 9 दिन की नवरात्रा को, शारदीय नवरात्राओं को कुमारी कन्या भी कर सकती हैं। कुमारी कन्याओं के लिए विशेष जैसे विवाह की कामना से आप जो है मां कुष्मांडा का व्रत करना चाहती है, नवरात्रा करना चाहते हैं, तो आप पवित्रता का ध्यान रखते हुए, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखते हुए आप जो है प्रथम दिन से लेकर के और 9 दिन तक जो है दुर्गा का पाठ करें। अब आपको विद्या के लिए चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमः नमः भगवती सरस्वती का आह्वान करके और विद्या के लिए करें। आपको शीघ्र विवाह करना है तो विवाह की कामना से अगर कन्या इसका व्रत करती हैं तो कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरते नमः, इस मंत्र का संपुट लगा करके भी आप पाठ कर सकते हैं। और कन्याएं पाठ करने की सामर्थ्य में नहीं है तो वो क्या करें, पहले दिन
नौमाला, कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरते नमः। तो आप जो है पहले दिन नौ माला, दूसरे दिन 18 माला, तीसरे दिन जो है 9 से गुणित करते हुए चले जाएं, 9वें दिन 81 माला करके और आप 108 आहुति कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरते नमः इस मंत्र की जो है 81 माला करके और अंत में 9वें दिन या 10वें दिन 108 मंत्रों से इसकी आहुति दें, शीघ्रातिशीघ्र आपका विवाह होगा और सुयोग वर आपको मिलेगा। भगवती की ऐसी कृपा होगी कि आपको जो है, इसमें भी कहा है कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी, आप महायोगों की अधीश्वरी देवी हो, नंद गोप सुतम भगवान कृष्ण के समान मुझे पति मिले और भगवान कृष्ण के समान सुंदर पति, गुणवान पति, सुयोग्य पति उसको है जो देवी प्रदान करती है। इसलिए कन्याओं को 9 दिन तक विधि पूर्वक इस कात्यायनी देवी का जो है पूजन करें तो उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को लिए वो जो है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थाम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का विद्यार्थी जाप करते हुए और 9 दिन अपना व्रत रखें, 9 दिन देवी का आराधन करें तो उनको जो है अपनी विद्या क्षेत्र में जो है उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होती है और विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो सभी वर्गों को ये देवी की आराधना करनी चाहिए। तो पंडित जी, कार्यक्रम में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कार्यक्रम में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे माता के एक नए स्वरूप के साथ। मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।